आज मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो अप्लाई डायरेक्टिव होती है और जो लेयर डायरेक्टिव होती है उसको यूज़ करना चाहिए आप लोग को या नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि यार अप्लाई डायरेक्टिव और लेयर डायरेक्टिव का कॉम्बिनेशन अगर आप लोग यूज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि यार आपकी टेलविंड एप्लीकेशन में जो अधूरी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एक कॉस्ट के साथ आती है और आपको उस कॉस्ट को पे करना पड़ता है। इस बात को समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, अमाउंट ऑफ क्लासेस हमेशा एक कंसर्न होता है टेलविंड में। जब आप टेलविंड CSS के थ्रू वेबसाइट्स बनाते हो तो आपके एक एक HTML एलिमेंट्स में इतनी इतनी क्लासेस बढ़ जाती हैं कि आप भी सोचते हो अरे भाई इतनी सारी क्लासेस अब क्या होगा। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग इन क्लासेस को हटाकर डाल देते हो अपनी style.css के अंदर, मैं एक फोल्डर खोल के आपको दिखाता हूँ जिसमें कि हमने ये काम किया था, हमने वीडियो 10 में ये काम किया था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमने बेसिकली करा क्या है कि जो मेंटेनेबिलिटी थी जो कि पहले यहाँ पर थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया style.css में। अब किसी भी डेवलपर को जो कि इस कोड को मेंटेन कर रहा है जाना पड़ेगा style.css के अंदर और उसके बाद उसको फिक्स करनी पड़ेंगी चीज़ें। और ये इंट्यूटिव भी नहीं है कि BTN क्लास क्या कर रही है। चलो यहाँ पर तो मैंने क्लास का नाम थोड़ा ढंग से दिया है, BTN मतलब बटन, लेकिन क्या ये क्लास नेम इंट्यूटिव है? क्या इस क्लास नेम को देख कर ये पता चलता है कि एक बटन है? ये सारे एक क्वेश्चन है। अभी भी लगेगा कि सारी इतनी सारी क्लासेस को ले चलो style.css के अंदर, लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आप कर क्या रहे हो, मेंटेनेबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को ऐसा करना चाहिए जब आप लोग को लगता है कि कुछ क्लास कॉम्बिनेशंस को आप बार बार यूज़ कर रहे हो। जैसे इस केस में अगर मान लो मैं BTN वाला जो बटन है मेरा जिसमें टेक्स्ट वाइड है, BG रेड 600 है, राउंडेड XL है, PX2PY1 टेक्स्ट SM है, अगर मैं ये देख रहा हूँ अपने आप को बार बार इसको यूज़ करता हुआ, तो मैं इसको एक BTN नाम दे दूंगा। इतने बड़े नाम को मैंने छोटा कर दिया, लेकिन दिस केम एट अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हो, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मान लो ये आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और इस ई कॉमर्स स्टोर को आप मेंटेन करते हो। 6 महीने तक आपने इसके कोड को छुआ ही नहीं क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया कोडर हो और आपने बहुत बढ़िया कोड लिखा था यार इसका। लेकिन 6 महीने बाद आपको लगता है कि यार मेरा जो बटन है वो थोड़ा सा ज़्यादा राउंडेड हो गया है, उसको थोड़ा कम राउंडेड करना चाहता हूँ मैं, मान लो आपको ऐसा लगता है, ठीक है? तब क्या होगा, आप आओगे वापस और आप देखोगे BTN क्लास अपने इस टेलविंड प्रोजेक्ट में। आपको यार BTN में क्या डाला था, मैंने बॉर्डर कितना डाला था, मैंने रेडियस बॉर्डर की कितनी डाली थी, मैंने कलर क्या डाला था बॉर्डर का, क्या मैंने इसमें कोई बैकग्राउंड कलर होवर करके डिफाइन किया था या नहीं किया था, ये देखने के लिए सिर्फ आपको या तो अपनी वेबसाइट पर या style.css में बार बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बात मैंने भी बोली थी कि दिस मेंटेनेबिलिटी कम्स एट अ कॉस्ट, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध करके दे दी, ठीक है? तो जब आप रीयूज़ करना चाहते हो कंपोनेंट्स को, जब आपको लगता है कि यार ये एक बटन है और ये मेरी वेबसाइट में कम से कम 10-20 जगह पर रहने वाला है या कम से कम 6 जगह पर तो रहने वाला ही है और फ्यूचर में रहने वाला है अगर अभी नहीं है तो, क्योंकि ये एक बटन है, ये मेरी वेबसाइट का ऐसा बटन है जो कि मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा, तो मैं इसलिए BTN को हटाकर style.css के अंदर डाल दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ मैं एक बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको कभी नहीं लेकर आऊँगा style.css के अंदर, मैं कभी लेयर डायरेक्टिव का और अप्लाई डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में जो है रहनी चाहिए। अमाउंट ऑफ क्लासेस हमेशा कंसर्न रहता है टेलविंड में, आपकी HTML यकीन मानो बहुत बड़ी होने वाली है नंबर ऑफ क्लासेस की वजह से। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके पास ये एक्सटेंशन है जिसका नाम है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है? ये एक्सटेंशन आपका इतना बड़ा साथ देती है जब आप टेलविंड CSS से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो। उसी के साथ साथ एक बात और मैं बताऊंगा, मान लेते हैं एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट ले लेते हैं, तो बहुत ही छोटा कंपोनेंट है 3 क्लासेस वाला। मैं एक काम करूंगा, टेलविंड बटन्स लिखूंगा, ठीक है? और इसी को ले लेते हैं, ये V1 का एग्जांपल है। चलो मैं लेटेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, flowbyte.com, एक मिनट बैक करता हूं, हाँ यहाँ से ले लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल बटन का। आप लोग देखो ज़रा यहाँ पर, ये एक बटन का एग्जाम्पल है टेलविंड के अंदर, ठीक है? और ये वेबसाइट काफ़ी ऑफिशियल डॉक्स की तरह इन्होंने बना रखी है। एनीवेज, टेलविंड CSS एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको टेलविंड की क्लासेस नहीं पता क्या होती हैं तो आप लोग देखोगे अरे इतनी सारी क्लासेस, हाँ और आप शायद बेहोश हो जाओ ऐसे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना है आपको। आप अगर ध्यान से अपना दिमाग लगा कर देखोगे इन क्लासेस को,
देखो टाइप इज इक्वल टू बटन, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू पी वाई टू, पी वाई टू मुझे बता रहा है कि पैडिंग वाई टू है, फिर इसके बाद एम आर टू मुझे बता रहा है मार्जिन राइट टू है, पी एक्स फोर बता रहा है पैडिंग एक्स एक्सेस में फोर है, और कितनी है वन रैम की पैडिंग है मैं हवर करके पता लगा सकता हूँ। फिर फॉन्ट मीडियम है यानी कि फॉन्ट वेट 500 है, टेक्स्ट ग्रे 900 ये वाली सीएसएस लगा रहा है, वीजीवाईडी वाली सीएसएस लगा रहा है, राउंडेड फुल ये वाली सीएसएस लगा रहा है, मतलब हो क्या रहा है ना कि मुझे कोई सीएसएस फाइल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता है ट्रेडिशनली जब हम कोडिंग करते हैं तो क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को डिकोड करके देखो बार बार जा जा कर देखो अपनी सीएसएस में कि कौन सी क्लास क्या प्रॉपर्टी दे रही है एक एचटीएमएल एलिमेंट को, फिर अगर चेंज करना है तो उस सीएसएस के अंदर जाओ। कोई आपने अगर वेंडर के द्वारा प्रदान की गई सीएसएस यूज़ करी है तो वहाँ पर देखो कोई प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जिसको आप ओवरराइट नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ओवरराइट करना चाहते हो तो कौन सी सीएसएस ऊपर कौन सी नीचे, तो वो टेंशन ही चली जाती है। यूटिलिटी क्लासेस ना, सब एलिमेंट में यूटिलिटी क्लासेस डालो और आपका काम जो है बन जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कुछ कैवियट्स के बारे में बताना चाहता था आप लोगों को। पहली चीज़ तो ये कि कोई लेयर डायरेक्टिव और अप्लाई डायरेक्टिव जादू नहीं है, आप जब भी ऐसा कर रहे हो तो मेंटेनेबिलिटी को कहीं और लेकर जा रहे हो, और उसी के साथ साथ आपको ओवर यूज़ इस चीज़ का नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी आप अपने आप को देखते हो कि आप एक चीज़ को बार 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 इस्तेमाल करे जा रहे हो, तब हाँ ज़रूर आप लोगों को अप्लाई डायरेक्टिव और लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप अप्लाई डायरेक्टिव और लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग को अपनी क्लास नेम्स बहुत ही वाइसली चूज़ करना है। जैसे कि मैंने करी BTN यहाँ पे बता रहा है कि एक बटन है, और इस वेबसाइट की पहचान अगर ये बटन है तो ये बटन बार बार यूज़ होगा इस वेबसाइट में। अगर इस वेबसाइट का ही बटन है ये तो मे बी इसके बटन के साइजेस को मैं चेंज करूँ, BTN प्राइमरी BTN सेकेंडरी करके क्लासेस बनाऊँ जो कि इस बटन को चेंज करें। लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर हर चीज़ को चेंज नहीं करूँगा, BTN 1 BTN 2 BTN 3। मैंने देखा है कुछ लोग ओवर चले जाते हैं BTN 1 BTN 4 BTN 8 और सारी मेंटेनेबिलिटी या स्टाइल डॉट CSS में डाल देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना स्टाइल डॉट CSS आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर फ़ायदा क्या रहेगा यार टेलमेंट CSS को यूज़ करने का, जब आप आओगे बार बार स्टाइल डॉट CSS में और आप यहाँ पर ये सारी क्लासेस ही देखे जाओगे कि इस क्लास में क्या है इस क्लास में क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को लेयर डायरेक्टिव और अप्लाई डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं जस्ट आप लोग को एक फेयर वार्निंग देना चाहता था कि जब आप इसका हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। कुछ कैवियट्स के साथ आता है, मेंटेनेबिलिटी स्टाइल डॉट CSS में चली जाती है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब भी आप यहाँ पर कोई क्लास इज इक्वल टू डाल के मेंटेनेबिलिटी यहाँ शिफ्ट करते हो तो आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जो कि आपको ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में करनी पड़ेगी, कि आपको इस क्लास का नेम देखकर और यहाँ पर वापस आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये क्लास में कौन कौन सी यूटिलिटी क्लासेस अप्लाइड है। सो विद दैट सेट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता था, आपको क्या समझाना चाहता था। इस प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, अभी के अभी इसको बुकमार्क करें यहाँ क्लिक करके और यहाँ क्लिक करके सेव करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।